अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं हम सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल तो बहुत सारा रख रहे होंगे। तो मैंने सफ़ायर से कुछ शॉपिंग की है, कुछ सेल डेज में की थी, वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी और वीडियो बना कर रखी हुई थी पर अपलोड नहीं की, तो अभी अपलोड करी हूँ। और साथ कुछ और भी शॉपिंग की है तो वो भी आपको दिखाऊँगी। और मेरे साथ सफ़ायर वालों ने जो हैंड किया है ना, वो भी आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्रांडेड से भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग का मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो रिव्यू होता जा रहा है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग से इतना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ हमेशा। मुझे कुछ भी पसंद है ब्रांडेड भी आए तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं स्टोर से ही जाकर खरीदूँ। और जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन कुछ होती है, आपके पास आ कुछ जाता है और कलर्स तो हमेशा ही चेंज आते हैं और साइज़ में भी इशू आ जाता है। तो ये है जी अनस्टिच ड्रेस, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है मसला। तो ये एनिमल प्रिंट है, एनिमल प्रिंट बहुत ज़्यादा फैशन में इन है अभी भी और बहुत देर से चल भी रहा है। तो ये जिसका दुपट्टा, ये मैंने सेल डेज में परचेज़ किया था। अगर आपने मेरी सफ़ायर की सेल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे लॉन के ऑल ड्रेसेस भी जा रहे हैं अभी, मतलब हैं वहाँ पर जो कि आप परचेज़ कर सकते हो। और आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पर डिस्काउंट है या नहीं है, बट आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो ये जो दुपट्टा है और ये मैंने सेल में लिया था 18, 20 या 15 रुपीज़ का कह लें कि मतलब 1800 या 1900 इसको कंसिडर कर लें। तो ये इसका दुपट्टा, टू टोन ड्रेस है, ब्लैक एंड ऑरेंज एंड मस्टर्ड है। और ये इसका फ्रंट एनिमल प्रिंट है, एनिमल प्रिंट आपको पता ही है फैशन में बहुत इन बड़े देर से है और चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ये है जिसके स्लीव्स, और स्लीव्स के साथ ये बॉर्डर है। बॉर्डर आपने इसको दामन भी यूज़ करना है, फ्लेयर बड़ा अच्छा है स्टफ़ का। आप इसको एलन भी बना सकते हैं, स्ट्रेट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, जैसे मर्जी बनाएं आपकी शर्ट बन जाएगी। तो मैंने आप इसको कैसे स्टिच कराना है मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि इसके जो बैक प्रिंट है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि बैक फ्रंट कुछ मिक्स कर करा के इस तरह से बना लिया जाए। मैं किस तरह बनवाऊँगी वो बनवाऊँगी मैं नेक्स्ट सीज़न। अब मेरा चैनल तो चल ही रहा है तो मैं आपको उसका तब वीडियो दिखाऊँगी कि मैंने कैसा बनाया। तो ये देखिए जी, ये है प्रिंट फ्रंट, और ये जो बॉर्डर दिखाया उन्होंने इस तरह से अटैच किया हुआ है। मॉडल ने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, साथ जी पहना हुआ है प्लेजो, यहाँ पर बेल बॉटम। नीचे से बिल्कुल सही नज़र नहीं आया बट इट्स ओके, लूज़ बॉटम्स ही चल रहे हैं तो हम लूज़ बॉटम ही बना लेंगे इसके साथ। बशर्त ये है कि इसके साथ कलर तो मैच होना नहीं है तो फिर मुझे ब्लैक ही यूज़ करना पड़ना है, क्योंकि जो ब्रांडेड के शेड्स होते हैं ना वो बड़े ही मुश्किल मिलते हैं। और फिर इस मुश्किल में पड़ने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वाइट या ब्लैक सिला लेना चाहिए इनके साथ। तो जी ट्राई करेंगे, अगर मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तब इसकी बैक दिखा देती हूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद आई है। ये इसकी बैक बहुत ही प्यारी है और मुझे ज़्यादा बैग पसंद आई है, तो पता नहीं ये बैग क्यों ज़्यादा मुझे पसंद आई है बट पसंद आई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी को कलियाँ डलवा के को कुर्ता टाइप बनवा लेती हूँ, फ्रंट बैग एक जैसा हो जाएगा और वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, बैग की कलियाँ फ्रंट पे और जो क्रीजें जिसको बोलते हैं ना वो। तो जब मैं इसको सिलवाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसा स्टाइल किया है। तो ये है इसके फ्रंट, ये इसका बैक, ये इसका दुपट्टा, बड़ा ही प्यारा सा है ये सूट। आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो आप अभी भी सफ़ायर से बाय कर सकते हैं। आई होप ये अभी भी लगा होगा क्योंकि जो है बहुत सारे लोग समर की शॉपिंग करना बंद कर गए हैं, बट मैंने इसको लेके स्टोर कर लेना है नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि ये प्रिंट अच्छा है। नेक्स्ट सीज़न में इतने अच्छे प्रिंट आए नहीं आए तो मैं इसलिए लास्ट एंड ऑफ द सीज़न सेल में से कुछ जो शर्ट्स हैं वो सूट हैं वो बाय करके रख लेती हूँ और फिर मैं कमिंग सीज़न में जैसे सीज़न ऑन होता है उसको सिलवा लेती हूँ। तो ये जी फाइनल लुक मेरी ड्रेस की, 18 समथिंग इसकी प्राइस है। आई जस्ट होप आपको ये पसंद आएगा। तब चलते हैं अपनी नेक्स्ट शर्ट की तरफ। तो ये जी है सफायर पॉप शर्ट, बड़ी ही यमी यमी से कलर्स हैं, बहुत ब्लैक बेस है। हर वीडियो में बताती हूँ, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो पक चुके होंगे मेरी एक ही लफ्स से कि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे पिंक बहुत पसंद है और मुझे वाइट बहुत पसंद है। तो ये जो ब्लैक बेस के साथ मल्टी मल्टी कलर है वो भी मुझे बड़े पसंद है। तो ये मैंने शर्ट बाय की है सफ़ायर पॉप समर कलेक्शन में से, इसकी प्राइस 27.90 है। और जी ये है इसका बॉर्डर और ये फ्रंट से बड़ा ही ज़्यादा प्रिंटेड सा है बट इट्स ओके, मुझे इसके कलर्स बहुत अट्रैक्ट किए थे तो मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने ले ली। इसके स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं, साइड पे पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से है ये, और जिसकी स्टिचिंग बड़ी डिफरेंट थी। और ये देखिए ये इसकी फॉल कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं फॉल है। और यहाँ पे ये देखिए साइड से यूं करके पट्टी लगाई हुई है और ये बड़ी ही प्यारी लगती है, इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी डिफरेंट लगती है इस पट्टी की वजह से, तो मैंने इस वजह से इसको बाय किया है। ये देखिए जी इस तरह से इसकी लुक है ये।
अगर आप इसको इस तरह से स्टिच करवाना चाहते हैं अपनी शर्ट, तो ये जी इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर दे दें मेरा लिंक अपने टेलर को, ताकि वो मेरी तमाम वीडियोस भी देख लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप भी कर लें, आपने तो किया ही नहीं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, वीडियो को लाइक कर लें चैनल, और शेयर करें लोगों के साथ। तो ये जी बाजू के साथ इस तरह से कुछ लटका हुआ है, ये मुझे लगता है कि इसकी एडजस्टमेंट जो है इस तरह से बाजू ऊपर आएगी, बट इसको कोई स्टिच नहीं है, ये फिर से बार बार गिर जाता है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको समझ आती है कि इसको किस तरह से पहनना है, या फिर इस तरह से ये लटकना ही इसका एक किरदार है। तो जी मुझे लगता है कि इसको ऐसे सेट होना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कि इसको कैसे सेट करना है। तो ये सेकेंड स्लीव है, दोनों स्लीव के प्रिंट्स अलग अलग हैं, इसकी बैक भी अलग है, ये देखिए इसके बाजू के साथ ये है, और इसको ऊपर कोई अटैचमेंट दी नहीं हुई है। अब इसकी बैक दिखा देती हूँ, ये है जी इसकी बैक, बैक में थोड़ा सा प्रिंट कम है ऊपर से, और इस तरह से ये देखिए ऊपर से ज़रा प्लेन है बैक, और आई विश इसका फ्रंट भी ऐसा ही होता, बट कोई नहीं, ये ऐसी प्यारी लग रही है। और ये है जी फ्लोरा फ्लोरा सी मेरी शर्ट, और ये है इसका बॉर्डर, और बॉर्डर पे जो कलर्स है ना बहुत ही खूबसूरत है। इसको ब्लैक के साथ स्टाइल किया जा सकता है, और इसका दुपट्टा भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शर्ट बहुत ही रंगदार है। अभी चलते हैं अपने ट्राउज़र की तरफ, खूबसूरत खूबसूरत ऑनलाइन शॉपिंग का खूबसूरत खूबसूरत एक्सपीरियंस। अब देखने में आपको थोड़ा सा पैंट लुक ट्राउज़र लग रहा होगा, 895 इसकी डिस्काउंट प्राइस थी, खुशी में आके ना मैंने दो ट्राउज़र ऑर्डर कर दिए, क्योंकि इतने सस्ते ट्राउज़र मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो मैंने एक अपनी भाभी को भी बोल दिया तुम भी ले लो मैं भी ले लेती हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लें कि साइड पॉकेट्स हैं और साथ ज़िप, और जी स्टफ़ पढ़ लें, और मॉडल ने क्या साइज़ पहना है एक्स्ट्रा स्मॉल, और ये है जी मामला, मॉडल ने मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा स्मॉल पहना है, या पहनना भी हो तो क्या है पता नहीं। बहरहाल मैंने इसका लार्ज साइज़ मंगवाया है, मेरा ऑर्डर ये आ चुका है, देख लो जी मैंने कोई खोला नहीं है पहले, बट एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से जो है ये सब जो दिखा रही हूँ, तो इसलिए जो है ना थोड़ा वीडियो रोक के मुझे खुद से ज़रा उसको खोलना पड़ रहा है। बाय द वे यहाँ से खोलेंगे हम इसको, और जी ये खुल गया, और यहाँ पे इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है जब आप वीडियो बना रहे हो, और फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जी शेयर कर दें, कर दें आज कर दें शेयर। तो ये जी जर्सी टाइप का ट्राउज़र है, इसको मैंने पेंट डिज़ायर करके मंगवाया था, और मैंने अपनी भाभी को बोला तो तुम भी ले डालो क्योंकि ये 1000 रुपीज़ में हमें पेंट पड़ेगी, क्योंकि इसकी 200 DC थी। तो जी इसका ये स्टफ़ है, ये पेंट लुक नहीं है, ये प्लाजो लुक है, और आई जस्ट होप कि ये पहन के अच्छा ही लगेगा। तो ये है इसकी डिस्क्रिप्शन अगेन जी, के आपकी हाई वेस्ट पैंट है ये विद द पॉकेट्स एंड द ज़िप, और जी ये है ऊपर से इस तरह से, ये है इसका टैग, इसकी प्राइस थी 1790, 50% ऑफ पे मिला है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई ज़िप कोई भी पॉकेट्स नज़र नहीं आ रहे, दुख की बात ये है कि क्यों नहीं नज़र आ रहे, जब आपने डिस्क्रिप्शन में पॉकेट्स दिए हैं और अगर आपने ज़िप दी है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है। अब देखिए अगर ये ट्राउज़र भी है और इसके साथ पॉकेट्स और ज़िप आती है ना, तो फिर आपको एक फील लाइक चलें पैंट टाइप आ जाता है, ठीक है। और अगर आपने ज़िप और पॉकेट नहीं दिए तो ये एक सिंपल ट्राउज़र है, और इसको आप फील लाइक भी पैंट नहीं कह सकते किसी तरह से भी। अभी दूसरा खोल लेते हैं, मुझे लगा शायद एक में कोई गड़बड़ हो सकती है, मैं दूसरे में तो नहीं ना होगी, शायद एक पीस मैं भूल गई हूँ पॉकेट लगाना या ज़िप लगाना भूल गई, तो कोई बात नहीं हम दूसरा खोलते हैं, उसमें तो ज़रूर होगी। तो मैंने खोला दूसरा ट्राउज़र, सेम लेंथ सेम साइज सेम फ्लेयर सेम स्टफ, ये देखिए जी बॉटम, और ये ऊपर से आया मेरा ट्राउज़र, इसका साइज लार्ज है। अगर आप मोटे हैं ना और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लार्ज साइज इसका पूरा आ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। अगर आपकी 32 वेस्ट से आधी सादी इंची भी ज़्यादा है ना, चढ़ना भी नहीं है आपको ट्राउज़र। तो इस तरह आप इसको ऑनलाइन जब परचेस करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा आपको। तो ये देख लो इसकी वेस्ट कितनी हुआ, ये देखो ये और ये इतनी इसकी वेस्ट है, बहुत ही लिमिटेड। और जी इस तरह से इसकी लुक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं साथ साथ पढ़ सकते हैं, ये देखिए कोई पॉकेट्स नहीं है, साइड पॉकेट्स ना ज़िप ना कुछ,
लगता है पॉकेट्स और जिप इनकी पास ही रह गई है और ट्राउज़र मेरे पास आ चुका है, तो ये इसकी वेस्ट और स्टफ़ आप चेक कर चुके हैं, बड़ा ही ब्लेंडेड सा है। तो इसको आप सिंपल एक ट्राउज़र के तौर पे यूज़ करें और जी मज़े करें, बारकोड मैच कर लें। अगर मैं झूठ मार रही हूँ तो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी है शॉपिंग की, और साथ ही साथ ही ये भी डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दी है। तो ये हुआ है हैंड मेरे साथ, मुझे नहीं मिली कोई ज़िप और ना ही मिला है कोई पॉकेट। तो चलो कोई नहीं, एक ट्राउज़र आ गया एक्स्ट्रा, चेंज करवाना तो सेल के डेज में बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो मैं कर नहीं सकती। तो लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, मेरा एक और ट्राउज़र आया है सफ़ायर से, जो कि वाइट बॉटम, इनके बॉटम्स अगेन लार्ज में, अगर आप 32 से ज़्यादा वेस्ट रखते हैं तो आपको नहीं आएगा इनका कोई भी ट्राउज़र लार्ज में। साथ ही साथ इनका जो ऊपर से थाइज एरिया है बहुत ही लिमिटेड सा है, अगर आपकी थाइज हेल्दी हैं तो भी आपको 32 वेस्ट होने के बावजूद भी अगर आपकी थाइज हेल्दी हैं तो आपको ये नहीं आएगा, क्योंकि लॉन के ट्राउज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं चलते हैं। और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, इसका नीचे बॉटम बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह का स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को दिखा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये स्टिचिंग का। तो जी इस तरह से है ये बूट कट बॉटम, बहुत face।